को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है प्लेइंग विद डॉल्स। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के चार पार्ट हैं जिसका आज मैं फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो लोगों में फाइट हो रही होती है, उसमें से एक गार्ड होता है और दूसरा पुलिस वाला होता है और वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन बोर्ड भी लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाने वाले को गोली से मार दिया जाएगा। और साथ ही दिखाया जाता है कि एक लड़की भाग रही होती है जिसके पेट से खून निकल रहा होता है और उसके पीछे एक भयानक मास्क वाला किलर पड़ा होता है। वो लड़की बहुत भागती है मगर वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ में तार से बांध देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि पुलिस वाला गार्ड को गोली से मार देता है और उसकी गोली की आवाज दूर बैठे एक दूसरे गार्ड को सुनाई देती है और वो गार्ड अपने बॉस को कॉल करके ये सब बताता है तो उसका बॉस उससे कहता है कि वहां जो अनजान आदमी दिखे उसे गोली से मार दो। इसके बाद वह गार्ड पुलिस वाले को गोली से मार देता है मगर वो ये नहीं देखता कि पुलिस वाला जिंदा है या मर गया। इसके बाद उस किलर को दिखाया जाता है जो एक चाकू निकालता है और उस लड़की के ब्रेस्ट को काट देता है और उसके ब्लड को एक ग्लास में भरता है। इसके बाद वो एक लोहे से पेट को फाड़ देता है और उसके पेट का मांस बाहर निकाल लेता है जिसके बाद वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। और साथ ही दिखाया जाता है कि वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं जिससे एक अमीर आदमी अपने कंप्यूटर पर बैठा ये सब देख रहा होता है और वो आदमी वही होता है जिसने थोड़ी देर पहले गोली मारने का आर्डर दिया था क्योंकि इसी आदमी ने किलर को लड़कियों को टॉर्चर करने के लिए रखा होता है क्योंकि इस आदमी को लड़कियों को तड़पता देखकर अच्छा लगता है। इसके बाद अगले सीन में एक सिंडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सिंडी की फ्रेंड लोरा उस घर का सामान बेचकर उसके पैसे चुराकर वहां से भाग गई होती है। तभी उस घर का मकान मालिक किराया मांगने के लिए घर आता है मगर सिंडी के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो मकान मालिक उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है जिससे वो उसका किराया माफ कर देगा मगर सिंडी उसे डांटकर वहां से बाहर निकाल देती है। इसके बाद सिंडी अपने जॉब के बाकी बचे हुए पैसे लेने के लिए अपने ऑफिस जाती है मगर उसकी बॉस अपने पति के साथ सेक्सुअली इल्जाम लगा के वहां से भगा देती है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर में वो अपने दरवाजे पर देखती है कि एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे वो खोलकर देखती है तो उसमें एक गाड़ी की चाबी होती है और उसे जॉब के लिए एक कॉल भी आया होता है और उस कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसे एक गाड़ी भेजी गई है जिसमें बैठकर वो उस गाड़ी में लगे जीपीएस के रास्ते उस लोकेशन पर पहुंच जाए। इसके बाद सिंडी जाने के लिए घर से निकलती है तभी उसका मकान मालिक वहां पर आ जाता है और वो सिंडी से कहता है कि वो उसका घर खाली कर दे मगर सिंडी उसे इग्नोर करके उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है और सिंडी अपने इस जॉब से काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो जिस रास्ते से जा रही होती है वो रास्ता धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा होता है और सिंडी थोड़ा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक लकड़ी काट रहे आदमी से वहाँ का रास्ता पूछती है मगर वो आदमी उसे बुरी नजरों से देख रहा होता है और वो आदमी उसे ठीक नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एक घर के पास पहुँचती है जहाँ उसका लोकेशन भी काम नहीं कर रहा होता है और वो टेंशन में आ जाती है और उसकी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल भी नहीं बचा होता है जिससे वो घर वापस जा सकती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसने उसे जॉब ऑफर के लिए कॉल किया था और वो अपने साथ उसे एक घर में लेकर जाती है और सिंडी का जॉब यही था कि वो उस घर का ख्याल रखे और उसकी साफ सफाई करे क्योंकि उस घर का मालिक कभी कभी उस घर पर आता था। और वो औरत उसे कहती है कि घर में कैमरास भी लगाए गए हैं लेकिन वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले क्योंकि कैमरा सिर्फ मकान मालिक के आने पर ही चालू होते हैं और वो औरत उसे काम समझाकर वहां से चली जाती है। तभी दिखाया जाता है कि मास्क वाला किलर उस घर के अंदर घुस चुका होता है मगर ये बात सिंडी को बिल्कुल भी पता नहीं होती और वो उस जॉब से काफी खुश थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर भी हो गया था और उसे पैसे भी मिलते थे जिससे वो अपने सारे शौक पूरे कर रही थी और वो खूब नए नए कपड़े खरीदती है और वो खुशी से डांस कर रही होती है। मगर वो किलर उसकी सभी हरकतों पर नजर रख रहा होता है और वो अमीर आदमी वहाँ पर लगे कैमरे से ये सब देख रहा होता है क्योंकि ये घर उसी आदमी का है और उसी ने ही सिंडी को जॉब पर रखा होता है क्योंकि वो सिंडी को भी बाकी लड़कियों की तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है और अब सिंडी उसका शिकार बन चुकी थी। और उस आदमी के पास कुछ कांच के बर्तन भी रखे होते हैं जिस पर लड़कियों के नाम लिखे होते हैं और उन बर्तनों में बॉडी पार्ट्स भी रखे होते हैं और वो एक बर्तन में सिंडी के नाम का लेबल चिपका देता है जिससे ये लगता है कि अब इसमें सिंडी के बॉडी पार्ट्स जाने वाले हैं और अब अगली बारी सिंडी की है। इसके बाद सिंडी नहाने के लिए कपड़े निकाल रही होती है तभी वो किलर उसे मारने वाला होता है। तभी उसका बॉस उसे रोक देता है क्योंकि वो सिंडी को और देखना चाहता था। इसके बाद किलर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद किलर जहां रहता है उस जगह को दिखाया जाता है और वहां पर मरे हुए लोगों के कंकाल और उनके बॉडी पार्ट्स हाथ पर लटके हुए थे और वो सिंडी को मारने के बारे में सोच रहा होता है मगर उसके बॉस ने उसे रोक दिया था क्योंकि वो किलर इतना साइको होता है कि उसे लड़कियों को मारना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब सिंडी सो रही होती है तो किलर उसे चाकू से गलत तरीके से टच करता है और जब सिंडी जाग जाती है तो वह उसके बेड के नीचे छिप जाता है। इसके बाद सिंडी पूरे घर में चेक करती है मगर उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद सुबह सिंडी बाहर बने एक बाथटब में नहा रही होती है तभी वहां पर एक पुलिस वाला उस किलर को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है जिसको सिंडी देखकर बहुत घबरा जाती है और पुलिस वाला उससे पूछता है कि उसके पास कोई मोबाइल या फिर गाड़ी है क्योंकि उस पुलिस वाले को वहां से जाना था और वो बहुत घायल होता है जिससे वो वहीं पर
पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिंडी उसको अपने घर में ले जाती है और उसकी चोटों पर पट्टियां लगा देती है। इसके बाद जब पुलिस वाला होश में आता है तो सिंडी उससे कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और अब वो सेफ है। और उधर किलर का बॉस उसे कैमरे में देख रहा होता है और वो अपने आदमी को उसे मारने के लिए बोल देता है। और वो पुलिस वाला सिंडी से बताता है कि वो एक किलर का पीछा कर रहा है जो लड़कियों को बेरहमी से मार देता है और वो किलर जेल से भागा हुआ एक मुजरिम है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला सिंडी से अपना जैकेट मांगता है तो सिंडी बोलती है कि जैकेट तो उसने ड्रायर में सूखने के लिए डाल दी है। तो पुलिस वाला जाकर अपने हाथ से उसे वहां से निकालता है क्योंकि उसमें एक स्टन ग्रेनेड होता है जिससे इंसान को अंधा करने के लिए फेंका जाता है। इसके बाद वह स्टन ग्रेनेड निकालकर बाहर बाउंड्री पर रख देता है। तभी उस पुलिस वाले पर गोलियां चलने लगती हैं और पुलिस वाला भी उन पर गोलियां चलाने लगता है। और इधर किलर सिंडी को मारने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है तो सिंडी उससे बचने के लिए वहां से भागती है और वो स्टन ग्रेनेड उसके हाथ में होता है और किलर भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है। मगर सिंडी एक पेड़ के पीछे छुपकर वह स्टन ग्रेनेड उसके ऊपर फेंक देती है और वहां बहुत जोर से धमाका होता है और दोनों थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं। तभी सिंडी उठकर वहां से भागती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता जिससे वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद किलर उसे उठाकर वहां से ले जाता है और उसे एक पेड़ पर उल्टा लेटा देता है और उसके अंडरवियर उतार देता है। मगर सिंडी को ये कुछ नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है क्योंकि वो बेहोश होती है। और इसके बाद जाकर पेड़ से एक लकड़ी तोड़ता है। इसके बाद किलर उस लकड़ी को उसके प्राइवेट पार्ट में डालने वाला होता है तभी वो पुलिस वाला उसे शूट कर देता है और तभी सिंडी को होश आ जाता है। सिंडी वहां से भागती है तभी वहां पर उस किलर का बॉस आ जाता है और सिंडी उससे हेल्प के लिए कहती है तो वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। मगर सिंडी को ये नहीं पता होता है कि वो आदमी किलर से बेरहमी से मरवा देगा और सिंडी उसके साथ चली जाती है। और इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। और अगर